ए देखे भाई अपना नया लुक हो चुका है। अब इसमें टोपी अब तुम्हें खाता ना खोला मुझे जीरो ए देखे जीरो 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 आजकल देखिए कुछ ऐसे ही देखने को मिलेंगे आपको खेतों में भट्ट सुखाने के लिए रखे हुए हैं और वहाँ पर देख सकते हो भाई मिर्ची भी सुखाने के लिए रखी हुई है खेतों में। यहाँ पर देखिए भाई एक लौकी भी है बहुत ही बड़ी सी देख सकते हो भाई। भाई अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से खेतों में और वहाँ पर मम्मी भट्ट भट्ट निकालती है तो मुझे एक दो फूल घास के लेके आने भाई। रोज का मेरा यही काम है और यहीं से मेरी वीडियो की शुरुआत भी होती है भाई। और अभी ओस पड़ रखी है भाई बहुत ज़्यादा, पैर भीग रहे हैं सारे और पीछे देखिए भाई धूप भी पूरी खिल चुकी है और 8:30 हो चुके हैं अभी टाइम। दोस्तों जो यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरे पीछे यहाँ से ही झुंघरेट सारे हैं और यहीं से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से नीचे को कुदरेट सारी है देखिए। और यहाँ का भी घास भी नहीं काट रखा है बिल्कुल भी नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा करके लोग काटने लग गए हैं और धीरे धीरे करके घर को भी ले जाएंगे। और ऐसा करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं एक नए दिन के साथ एक नए वीडियो की। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग, तो स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों में। देखिए भाई अभी टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं भाई और आज अब जाके वीडियो की शुरुआत हो रही है। डेली मैं यहीं आता हूँ सारे मैं, तब जाके वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो मेरे पीछे देखिए भाई ये है कुमार का पेड़, देखिए भाई कितने बड़े हो रखे हैं। यहाँ पर आपको ये बेल दिख रही होगी, इस पे दाने देखे भाई बहुत सारे छोटे छोटे हैं, इससे कभी मालाएं बनाए करते थे हम। यहाँ पर देखिए भाई ये बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो भाई आज सुबह ओनली चाय पी रखी है और आज तो मेरा उपवास है भाई, कल हमारे घर में है सारा, तो कल वाले वीडियो जरूर देखना। और आज देखते हैं क्या क्या सीन रहता है, जो जो होगा आपको दिखाने को मिलेगी। आज आपको कुछ चीज़ें नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी और मेरा नया लुक भी देखने को मिलेगा, तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। और आजकल आपका प्यार और सपोर्ट बहुत कम हो रहा है, 100 से कम व्यूज़ आ रहे हैं भाई मेरे, तो इतनी वीडियो अच्छी नहीं बन रही होगी या क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या मेरे बोलने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं है, वो तो मुझे भी पता है। बट आप अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए और अच्छे अच्छे से वीडियो लाएंगे और पहाड़ की हर एक चीज़ें से आपको रू करवाएंगे। और मेरे पीछे देखिए भाई कितने सारे दड़िम, ये जो दिख रहे हैं ना पेड़ सभी दड़िम के हैं भाई, जो हरे दिख रहे हैं ना मेरे पीछे देखिए। पर देखिए भाई कुछ इस प्रकार से भट्ट निकाले जाते हैं और इनको इस तरीके से यहाँ पर कोदा या चौलाई के पेड़ों पर अटकाया जाता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भट्ट निकाला गया है और मंडुआ हो रखा है यहाँ पर बहुत सारा रखे हम ठीक गदेरे, यहाँ पर गदेरे है उसके सामने हमारा खेत है जिसमें कि आज भट्ट निकालेंगे और वहाँ पर मम्मी भट्ट निकाल रहे देख सकते हो भाई। और यहाँ पर मेरे लिए घास भी कटा हुआ है और इसके बाद हम यहाँ पर के भट्ट निकालेंगे। यहाँ पर दिख रहा है खेत बहुत बड़ा तो यहाँ पर है और उसके बाद ऊपर वहाँ पर है जहाँ पर डोनेरा बोलते हैं, उसके बाद तो कराल जहाँ पर ये पेड़ दिख रहे हैं उसके ठीक सामने। तो आज बहुत टाइम के बाद जाएंगे हम गधेरे की साइड, यहाँ पर देखते हैं यहाँ कल गधेरे का सीन क्या हो रखा है यहाँ पर। हाँ देखिए भाई पानी ठीक हो रखा है आजकल, साफ और बिल्कुल ठंडा हो रखा होगा है ना। ये देखिए आजकल देखिए ना पानी इतना ठंडा हो रखा है कि क्या ही बताए भाई, बहुत ठंडा हो रखा है आजकल ना, बर्फ जम जाएगी भाई कोई कुछ देर यहाँ पर रखेगा ना बिल्कुल। तो अब चलते हैं भाई ऊपर खेतों में वहाँ पर है ना।
दो बारा श्राद्ध बैठते हैं, तो एक बार तो बैठ चुके हैं, वो वाले श्राद्ध हो चुके खत्म और दोबारा बैठ चुके हैं श्राद्ध। अभी नवरात्रि के बाद श्राद्ध दोबारा से बैठ जाते हैं, जो जिसने पहले नहीं दे रखे होंगे वो दोबारा तिथि पर देते हैं, और अमावस्या के दिन कोई भी श्राद्ध दे सकता है। तो उस दिन किसी ने श्राद्ध नहीं दिए होंगे तो इस बार दे सकता है तिथि पे। तो अभी श्राद्ध हो रखे हैं आजकल, बहुत सारे पहले कम लोगों ने दे रखे हैं, इस बार दे रहे हैं भाई। और हमारे घर में कल है श्राद्ध, वो तो मैंने बता दिया। और यहाँ पर सिसवाली वाखली में है आज श्राद्ध, तो लोग जा रहे हैं वहाँ। मेरा आज जाना कैंसिल हो चुका है, तो अभी लोग जा रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ भाई अपनी बाल वाल कटवाने के लिए। तो चलो यहाँ से मंदिर की साइड चलते हैं, वहाँ पर मंदिर की गधेरे में मतलब वहाँ पर काटेंगे आराम से बाल मजे से। देखिए हमारे गांव के अधिक से ज़्यादा जगह पर धूप नहीं आती, जैसे कि यहाँ पर अब धूप नहीं आएगी भाई बहुत, जब तक ठंडियों का सीज़न ना चले जाए तब तक यहाँ पर कभी धूप नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पर पेड़ हैं इस साइड से। यहाँ पर सुशील भी पहुंच चुका है, अब यहाँ पर बाल काटते हैं मशीन से और उसके बाद ब्लेड से। अब होगा अपना नया लुक, आपको नया लुक दिखाने को, नया लुक देखने को मिलेगा। तो भाई इसने तो कर दिया अपने हाथ का कमाल। दिया भाई अपने हाथ किस से काटा तूने? पहले कटे से जब खून नहीं रुकते ना, तो कुछ घरेलू उपाय करना पड़ता है। घरेलू यहाँ पर अलमोड है, इसको लगाएंगे वहाँ पर, तो इससे खून रुक जाती है भाई। ए देखिए ए लौंडे, तो ये है भाई अलमोड, ये मेरा हाथ पकड़ है जी दिख रहे ना, हाथ में हाथ में ये पकड़ लेकिन काट देना मत भाई। हम पर बैठ के अब मंदिर के ठीक यहाँ पर सामने बैठ के काटते हैं बाल। अब इनको करना है जीरो, तो लौंडे करेगा भाई जीरो, ठीक है लौंडे। ए देखे भाई अपना नया लुक हो चुका है, अब इसमें टोपरी, अब तुम्हें खाता ना को लोग अरे भाई साहब अब टोपी रहेगी भाई सिर में। ये देखिए कुछ इस प्रकार से भाई अपने बाल हो चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड के कुछ नियमों का पालन करना पड़ रहा है, तो ऐसा कुछ हाल है। मूछे नहीं काटते भाई, मूछों का भी थोड़ा इनको आगे आगे से इनको बनाएंगे, बाकी तो अपना अमर शहीद भगत सिंह ठीक है। अब मजा आ गया ना। तो देखिए भाई सुशील ने मेरे पूरे बाल काट दिए हैं, और लौंडा अपने आप तो बन रखा है हीरो, और बड़े बड़े बाल रखे हैं, मेरे बाल कर दिए उसने हीरो जीरो। ए देखिए जीरो 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 जीरो। चलते हैं घर को, और अभी बहुत काम भी करने हैं, गौशाला जाना है, बैल को चराने के लिए छोड़ना है, अभी तो बहुत सारे काम हो रखे हैं। मैं आ चुका हूँ यहाँ पर बैलों को लेके यहाँ पर चरने के लिए, और यहाँ पर छोड़ देते हैं। और यहाँ से हमारे गांव का नीचे व्यू दिख रहा है बिल्कुल मस्त वाला यहाँ से देखिए। और कमेंट करके जरूर बताना आपके यहाँ भी क्या ऐसे ही श्राद्ध दिए जाते हैं। कि मैं यहाँ पर धूप सेक रहे हैं और खाना पीना तो हो चुका है। गोलू इधर देखो, गोलू रह नहीं रहा, एक सामने देखो गोलू को, देखो एक सामने नहीं रह रहा गोलू, कहाँ भाग रहा है गोलू। ये देखो गोलू आराम से मेरे साथ खेल पे लगा हुआ है। ये देखो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। हाँ उसको मेरे बाल पसंद आ गए आज, मैंने तभी यहाँ पर छुपा रखे हैं, छुपा रखे हैं। कब जाने तू ठीक। गोलू देखो यहाँ से, देखो गोलू को ए टड़ा। ये देखो गोलू खुश हो रखा है ना, है ना गोलू। ये देखो अभी शाम के बज चुके हैं 7:30, और अभी मैं व्रत खोल रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले गाय और कुत्ते और कन्या के लिए निकालूंगा। तो अभी प्रक्रिया शुरू हो रही है, और शाम को व्रत खोलने से पहले धूप वगैरह और जो मिश्रो होता है हमारे गाँव में ये परम्परा, उसको करते हैं, उसके बाद अपना व्रत खोलते हैं।
भाई दोस्तों अभी देखिए खाना पीना तो हो चुका है भाई। यहाँ सुबह से खाना पीना बंद था, अब जाके यहाँ पर खाना पीना हो चुका है और जो जो प्रक्रिया थी मैंने आपको दिखा दी। और सुबह से ना लाइट नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं। अब जाके कुछ टाइम पहले लाइट आ रखी है और तब मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, अब जाके यहाँ पर वीडियो की शुरुआत हो रही है। जो जो प्रक्रिया शाम को होती है वो दिखा दी और बाकी की प्रक्रिया आपको कल देखने को मिलेंगी अगर हो सके में। और लुक देखिए भाई, सुनामा अच्छा लग रहा है ना। अच्छा वैसे भी तो ठीक ही लग रहा हूँ। ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, कमलेश्वर महादेव की जय।